तो आज मैं पहले ही बता देता हूँ आप हमारी गॉड असेंबली में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक मिलेगी, वो वीडियो 1 मिनट की है ज़्यादा से ज़्यादा, उसको देखोगे तो आपको पूरा समझ आएगा आपको कैसे हमारे गॉड असेंबली में ज्वाइन होना है। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आप सोच रहे हो मेरे पीछे से आयरन गोलम की मरने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो मैंने एक आयरन फार्म भी बनाया है, उसकी वीडियो इस वीडियो के बाद आएगी। तो आज हम एक एन्चेंटिंग रूम बनाने वाले हैं आसमान में, तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इस जगह को मैं क्लियर करूँ ये फ्लाइंग एन्चेंटिंग रूम बनाने के लिए। तो फ्लाइंग हो आसमान में उड़ेगा फिर भी दिखने का अच्छा के लिए, तो मैं 2 मिनट में मिलता हूँ। तो अभी मेरी पूरी ये जगह क्लियर हो गई, तो मैं अभी एक छेद करूँगा यहाँ पे। ये मैं इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे एक वाटर लिफ्ट बनाने वाला हूँ, इस जिसमें हम ऊपर भी जा सकेंगे और नीचे भी आ सकेंगे। तो मैं यहाँ पे मेरे बीच वाला कॉर्डिनेट अभी 63 है, तो मैं यहाँ से 110 ब्लॉक ऊँचा ऊपर जाऊँगा। तो मैं 110 ब्लॉक ऊपर जाके तुम लोगों से मिलता हूँ। तो मेरा बीच वाला कोऑर्डिनेट अभी 110 हो चुका है, तो मैं यहाँ पे डीप स्लेट ब्रिक्स यूज़ करूँगा इसको बनाने के लिए। तो मैं ऐसे बनाने वाला हूँ, कुछ ऐसे, यहाँ पे एक ब्लॉक, फिर से एक ब्लॉक यहाँ पे, फिर से एक ब्लॉक यहाँ पे, फिर से एक ब्लॉक यहाँ पे। तो मुझे और ब्लॉक लगाने पड़ेंगे और एक बार, तो मैं और ले लेता हूँ। तो ऐसे मुझे ये चारों चारों तरफ बनाना है, तो चारों तरफ बना के मिलता हूँ। तो मुझे ये चारों तरफ बनाने के बाद इसको पूरा अंदर से भर देना है, तो ये एक स्क्वायर जैसा हो जाएगा। तो मैं इसको भरता हूँ, तो यहाँ पे एक ब्लॉक होगा, फिर से यहाँ पे ब्लॉक लगाना होगा, फिर से यहाँ पे ब्लॉक लगाओ। मेरे ब्लॉक ख़त्म हो गए, मैं और ब्लॉक बनाता हूँ। यहाँ पे एक स्टैक और बना लिए, तो यहाँ पे ये पूरा भरना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने ये पूरा भर दिया, तो मुझे अब पिलर बनाना पड़ेगा। पिलर बनाने के लिए मैं अभी इस ब्लॉक का यूज़ करूँगा। मैं अभी बीच बीच वाले जो कॉबलस्टोन का लाइन था, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तो ये इसके सामने वाला ब्लॉक भी जो है कॉबलस्टोन है, तो इस कॉबलस्टोन के ऊपर में हमारा इंचेंटिंग टेबल बैठेगा, टेबल लगाना पड़ेगा। तो इस तरफ मैं एक वो वाटर वाला लिफ्ट बनाऊंगा, यहाँ पे सिर्फ वाटर डाल दूंगा तो ये वाटर वाला लिफ्ट बन जाएगा नीचे जाके। और मैं ये कॉबलस्टोन को पूरा मुझे तोड़ना पड़ेगा, तो इस कॉबलस्टोन को तोड़ के मिलता हूँ मैं। ये आधा हो गया है मेरा कॉबलस्टोन, आधा कॉबलस्टोन टूट गया है, तो ये पूरा तोड़ना पड़ेगा नीचे तक। नीचे को पूरा तोड़ के मैं तुम लोगों से मिलता हूँ कुछ ही देर में। तो ये पूरा टूट गया है, फिर से मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। जल्दी ऊपर चलो, वाटर वाला लिफ्ट बहुत स्लो है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। दो दो नहीं तो लिफ्ट बनाना पड़ेंगे, एक नीचे आने का एक ऊपर जाने का। हर कोई तो वाटर वाला क्लच नहीं कर सकता ना।
यहाँ पे और एक डिफ्लेट का ब्रिक लगाना पड़ेगा इस बीच में जो, यहाँ पे एक डिफ्लेट ब्रिक, हाँ ये लगा। अब हम पिलर बनाने वाले हैं, तो 3 4 बनाने पड़ेंगे। तो मैं जैसा बना रहा हूँ ऐसे देख के आप लोग भी बना सकते हो अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में। तो यहाँ पे और एक ब्लॉक लगाना पड़ेगा, तो मैं अपनी सील्ड हटा लेता हूँ, नहीं तो मुझे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पे ब्लॉक लगाना पड़ेगा, इसको हमें तोड़ देना है और इसके नीचे वाला भी हमें तोड़ देना है। हाँ सिर्फ यही रहना। फिर पहले हम सबके सबसे नीचे 4 ब्लॉक लगाए, उसके ऊपर 3 ब्लॉक लगाने वाले हैं। 3 ब्लॉक लगाने पर मैंने और एक ब्लॉक ऊंचा किया, क्योंकि अब देखोगे तो समझ जाओगे। मुझे फिर से ये ब्लॉक तोड़ना पड़ेगा और मेरे पैर के नीचे वाला ब्लॉक भी तोड़, मेरी पिकैक्स गिर गई, पैर के नीचे वाला ब्लॉक भी तोड़ना पड़ेगा। तो ये होगा, पहले 4 किए, फिर 3 किए, फिर 2 किए हमने। तो ये 1 हो गया, इसके ऊपर और एक ब्लॉक, तो ये 2 हो गया। तो मैंने फिर से 3 किए, क्योंकि इसके ऊपर हम फिर से एक 2 वाला बनाने वाले हैं, तो इसको हम तोड़ देंगे। और इसमें हमने पैर के नीचे वाला ब्लॉक भी, यहाँ पे हमें यहाँ पे और एक ब्लॉक, तो ये 2। तो मैं ऐसे ही और 4 पिलर बना के तुम लोगों से 2 मिनट में मैं मिलता हूँ। तो मैंने ऐसे 4 पिलर बना लिए हैं, तो मैं कभी एक वाटर बकेट प्लस कंप्लीटेड। तो मैंने ऐसे 4 पिलर बना लिए, तो अभी मैं जैसे ब्लॉक लगाने वाला हूँ आप भी वैसे ही लगाना। आप अगर बनाने वाले हो तो एक ब्लॉक छोड़ के लगाना होगा, ये ऊपर वाले में भी एक ब्लॉक छोड़ के। तो मेरे सारे ब्लॉक ख़त्म हो गए, तो मैं और भी ब्लॉक है मेरे पास, मैं बना लेता हूँ। कॉबल डीप स्लेट है, मैं और भी ये पॉलिश डीप स्लेट बनाऊँगा, उसके बाद मैं डीप स्लेट ब्रिक्स बनाऊँगा। हाँ तो मैंने सारे डीप स्लेट नहीं, अभी तक नहीं बने जल्दी। हाँ तो मैंने ऐसे ही ऐसे चारों साइड में हमें बनाने पड़ेंगे। तो मैं बनाता हूँ, आप फास्ट फॉरवर्ड में देखिए। ने देख ही लिया, मैंने सारा चारों साइड पे वो बना दिया है। तो हम अब ये वॉल लेंगे, डीप स्लेट ब्रिक वॉल लेंगे और ऐसे एक को छोड़ के एक लगा देंगे, तो ऐसे हम गिरेंगे भी नहीं और दिखने का भी बहुत कूल लगता है मेरे को। आपको कैसा लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मैंने वहाँ पे एन्चेंटिंग टेबल लगा दिया है, अब मेरे पास बुक सेल्फ भी है, तो मैं अभी यहाँ पे बुक सेल्फ ही लगा दूंगा। तो आप देख बो और ये पूरा कंप्लीट हो गया है, तो आप बोलना कैसा लग रहा है देख। तो मैं अभी यहाँ पे बुक शेल्फ लगा देता हूँ, ये फुल मैक्स बुक शेल्फ लगाने वाला हूँ मैं, बाकी बुक शेल्फ ही लगाता हूँ। हाँ तो और इसके ऊपर और एक लेयर का बुक शेल्फ लगाने वाला हूँ मैं यहाँ पे, और सामने और 2 लगाने वाले हैं और यहाँ पे और 2। तो सामने मैं एक एक का गैप छोड़ दिया, वहाँ पे मैं कुछ और लगा दूंगा, एक एनविल और एक उसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। अभी मैं यहाँ पे चेन लगा बनने चल चेन लगाऊंगा, क्योंकि अब मैं अभी लैंटन लगाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे गलती से गलत चेन लगा दी, इसको मैं तोड़ देता हूँ। अभी ठीक है, नीचे वाला ब्लॉक भी तोड़ देता हूँ, तभी ठीक लग रहा है। और यहाँ पे मैं एक लैंटर्न लगा देता हूँ, तो ये बहुत सही दिख रहा है देखने को। और साइड में भी मैं लगाने वाला हूँ चेन, तो यहाँ पे 2 चेन लगाने वाला हूँ। 2 चेन के बाद और नीचे लैंटन लगा दूंगा,
वो सब मैंने कर दिया। और नीचे को ये मैंने ये स्टेयर्स बना दिया, जैसे कुछ ऐसा दिखने का हो गया ये। अभी नीचे टॉर्च भी लगा देता हूँ क्योंकि अंधेरा हो गया। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में। और इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको गॉड असेंबली में ज्वाइन होना तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय।